नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं, अध्याय 7वां और 19वां श्लोक। आज बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यानी कि बहुत सारे जन्मों के बाद और बहुत सारे जन्मों की साधना के बाद जो ज्ञानी व्यक्ति रहता है उसको हर जगह वासुदेव दिखता है, यानी ब्रह्म तत्व दिखता है, आत्मज्ञानी होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है। और वो जब मेरे से एक रूप होता है, योगी होता है, भक्त होता है, वो मुझे संपूर्ण शरण आ जाता है और मेरे से एक रूप हो जाता है। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। और उसी को महान आत्मा महात्मा कहते हैं। ठीक है, उसको कोई महात्मा कहते हैं, कोई साधु कहते हैं, संत कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, फकीर कहते हैं। आप कितने भी धर्म देखो, कितने भी जाति पंथ क्या क्या देखना है देखिए, कुछ न कुछ नाम रहता है उनको। ठीक है, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं वो बहुत दुर्लभ रहते हैं। और इसका कारण ये है कि ये माया को तैर जाना और मुझसे एक रूप होना वो बहुत दुर्लभ है, ऐसा वो कह रहे हैं। बाकी के भक्तों तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसे भक्त तो बहुत कम मिलेंगे, ऐसा जो मेरे से एक रूप है, ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। ठीक है, अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं देखिए। जे तो विषयांची मोट झाड़ी, माझी काम क्रोधांची साकड़ी, सुकाउनी आला पाड़ी सद्वासनेची है। यानी कि जो आपको तो पता है कि षड रिपु जिसको कहते हैं, छह शत्रु मानव के कौन से रहते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। ठीक है, तो इनके जो आघात होते हैं उनसे बच के वो या झेल के, और जैसे उनके ऊपर आघात हुआ फिर भी जैसे जो योद्धा रहता है यहाँ पे, फिर वो आती क्षत्रिय वृत्ति आती है। ठीक है, क्या हर व्यक्ति एक ही क्षण में ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय एक ही, हर दिन में इतने सारे काम करते रहते हैं। ठीक है, कि क्षत्रिय वृत्ति चाहिए उसके लिए, कि इतने सारे आघात हुए फिर भी वो बिल्कुल मजबूत रहता है, चट्टान की तरह, मुकल्लम ईमान जैसे बोलते हैं उसको मुसलमान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया, ज्ञानेश्वरी भी बताई थी, तो उनके पीछे में यानी एक जगह मंदिर था, एक जगह मस्जिद भी थी, ऐसा कहते वहाँ पे किसी ने, वो उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे क्षत्रिय वृत्ति आती है, तो हर व्यक्ति जो है इसको सारी चीज़ें सहन करनी पड़ती है, हर जीवों को, इनफैक्ट व्यक्ति को क्या यहाँ पे लिखा गया है। और फिर ये जो है इसको सद्वासना के लिए, यानी जैसे मराठी में उसको मोट कहते हैं, कि जैसे खेती को हम लोग जब पानी देते हैं तो उसको मिट्टी तो ऐसी रहती है, लेकिन उसको ऐसा 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 ऐसे उसके ऐसे नली बना के ऐसे ऐसे पानी एक जगह लेके जाते हैं, उसको मोट करना ऐसा कहते हैं। या तो फिर पानी लेके जाने का, और जहाँ पे पानी चाहिए खेती बाड़ी में वहाँ पे देने का। तो वैसे ही हमारे जो सारे अच्छे गुण और सारे दुर्गुण रहते हैं उनको एक अच्छे मार्ग पर रहेंगे, परमार्थ मार्ग पर लगाएंगे तो धीरे धीरे बुरे गुण निकल जाते हैं और अच्छे गुणों के परे हम चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अब पुण्यकर्म करना ही चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। सद्वा से नीचिया वो सत वासना की तरफ लगते हैं। ठीक है, मगर साधु संगे सुबटा उजु सत्कर्मा चिया वाटा अप अप्रवृत्ति चा अवाटा डावलुनी। फिर ऐसे कर्म करने के बाद, ऐसे हजारों जन्मों में करने के बाद वो उसको साधु संग मिलता है, सदगुरु मिलते हैं, फिर वो सत्कर्म करने लगता है और सत्कर्म ही उसका मार्ग होने लगता है। और जो विकार रहते हैं, विषय रहते हैं, अप्रवृत्ति जो रहती है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है, या तो फिर से उसको अपना बल लगा के उसमें जहाँ पे फायदा है वही चीज़ करेगा, जहाँ पे अच्छी सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए वैसे करने का वो करके बहुत अपनी पूरी जी जान लगा के वो सद्वासना पे सत्कर्मों पे आता है। आणि जन्मशतांचा वाहतपणा वाहतवणा तेवीची आस्तेचिया न लेची वाहणा, ते तर फलहेतूचा उगाणा कवणूचाळी। असे
शत जन्म यानी 100 100 जन्मों के बाद वो ऐसी साधना करता है, आस्था रखता है, फिर उसके हाथ से निष्काम कर्मयोग, फल के बिना कर्म करना, ऐसे उसकी 24 घंटे की साधना होने लगती है। ऐसा शरीर संयोगाची राती माझी धावता सड़िया आयती, तब कर्मक्षयाची पहाती पहाट जाली। फिर ऐसे बहुत सारे शरीर के संगों के साथ वो आता है, उसके वो जो जो निशा रहती है, यानी कि जो कर्म फल के लिए जो काम करता है वो निकल जाता है, और उसके बाद में उसका निष्काम कर्म योग शुरू होता है, फिर कर्म क्षय भी होने लगता है, और फिर उसके जिंदगी में असली सूरज उग जाता है, ज्ञान सूरज उग जाता है। इतनी सुंदर है ज्ञानेश्वरी, तैसे गुरु कृपा उखा, कृपा उखा सॉरी, तैसी गुरु कृपा उखा। फिर गुरु की कृपा होती है और उसके बाद में उजली, यानी फिर उसके जिंदगी में ज्ञान योग का, आत्मज्ञान के योग का उजाला होता है। ज्ञानाची वोतपली पड़ली तिथे साम्याची रिद्धि उगड़ली त्याची दिठे। उसके बाद में ज्ञान होने के बाद हर जगह साम्यवाद दिखता है। साम्यवाद पॉलिटिकल नहीं कह रहे, वो साम्यवाद है ना कि हर जगह भगवान ब्रह्म तत्व उसको दिखने लगता है, रिद्धि गोल, और वो दिन ब दिन रिद्धियाँ ने उसकी वृद्धि होने लगती है, और उसको हर जगह भगवान ही दिखता है। तया चाहिए दी ठीक, उस व्यक्ति के अंदर में उसको अंदर बाहर हर जगह भगवान ही दिखता है, और 24 घंटे उसके कर्म ही पूजा होने लगती है। ऐसा योगी तू, योगी अर्जुन तू बन, ऐसे श्री कृष्ण कह रहे हैं। ते वेळी ज्याकडे वास पाहे तेवता मीची तया एक आहे, अथवा निवांत जरी रहे तरी मीची तया। कि जो जहाँ पे रहता है वो व्यक्ति, वहाँ पे सबके मन में उजाला होने लगता है, और उसके जिंदगी में अंदर बाहर हर कण हर घड़ी हर क्षण हर सिचुएशन में मैं ही रहता हूँ। वो अकेला रहो या लोगों में रहो, उसका उसके अंदर से मेरा रिफ्लेक्शन होने लगता है, यानी मैं ही उसके अंदर से अंदर बाहर हो जाता है, और लोगों को भी दिखता है और उसको भी उसके अंदर भगवान ही दिखता है, ऐसा होता है। हे असो आणिक काही तया सर्वत्र मी वाचू नये, जैसे सभाया जळ डोही बुडा लिया घटा। कि वो कैसा हो जाता है कि जैसा घट रहता है, एक आधा मिट्टी का घटा रहता है, उसको पानी में डुबाया, कौन सा भी पानी रहो, या मटके का पानी रहो, नदी रहो, समुंदर रहो, उसमें अगर पूरा पानी के अंदर वो घट डूब गया तो अंदर बाहर उसके पानी ही रहता, वैसा मेरे भक्त का हो जाता है, जो ज्ञानी भक्त रहता है, अंदर बाहर उसके भगवान ही दिखता है सबको और उसको भी दिखता है। तैसा तो मज भीतरी मी तय आतु बाहरी, हे सांगीचे बोलियो रे तैसे नहीं। ऐसा वो आद बाहर अंदर बाहर वो मेरे से एक रूप हो गया रहता है, क्योंकि देह अगर बोला मैं तो उसके बाद में द्वैत के भाव में बता रहे हो, ठीक है, वैसे तो अद्वैत ही हर जगह है। म्हणून असो हे यापरी तो देखे ज्ञानाची वाखारी, तेने संसार लेने करी आपू विश्व। संसार ने आपको बताया संसृज स्मृति, संसरती यानी सृजती सृजती जो रहता है, क्या होता है कि ये हरदम आगे बढ़ने वाला है संसार जो है वो एक जैसा रहता नहीं, बदलने वाला रहता है और मृत्यु की तरफ ही जा रहा है, ऐसा उस संसार के बहुत सारे मीनिंग है, अर्थ है, ठीक है। तो ये ज्ञान होने के बाद हर क्षण हर घड़ी जन्म मृत्यु हर जगह जीने में और सारे सुख दुखों में सारे द्वैत भाव में वो भगवान को ही देखता है, ऐसा उसका पूरा विश्व भगवान में ही हो जाता है। हे समस्त श्री वासुदेव, ऐसा प्रतीति रसाचा वोतला भाव, म्हणून भक्ता माझी राव आणि ज्ञानिया तुझे। ये ओवी बहुत सारे संतों को अच्छी लगती है। स्वामी स्वरूपानंद, मेरे सद्गुरु स्वामी माधवनाथ, बाद में आप देखिए बहुत सारे संत, उन्होंने कहा है कि हर जगह वासुदेव ही दिखते भगवंत तो उसको, और हर जगह वो ब्रह्मरस भरा हुआ ऐसे ये सारे भक्तों को दिखता है, और ऐसा ही भक्तों को ज्ञानी भक्त कहते हैं। जयाचे प्रतीतीचा वाखोरा पवाडू होय चराचरा, तो महात्मा धनुर्धरा दुर्लभ आते।
ऐसी चर और अचर में उसको भगवान दिखने के कारण वो महात्मा था, महान आत्मा है ना, भगवान से एकरूप हो गया जो आत्मा है उसको महात्मा कहते हैं। ऐसा बहुत दुर्लभ व्यक्ति रहते हैं। अब क्या कहते हैं आप, केवल मानव जाति को ही आत्मज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे कई यानी आपको उदाहरण दिखेंगे कि एक हाथी को भी आत्मज्ञान हुआ है, ऐसे बहुत सारी आपके इसमें तो कथाएं होंगी, आप सुनिए। तो जो जीव है वो जीव महात्मा हो जाता है, ठीक है। और ऐसा जो भक्त है वही मेरे से एक रूप रहता है 24 घंटे, वो योगी हो गया रहता है, भक्त हो गया रहता है, और 24 घंटे मेरी ही साधना होती है, उसके थ्रू मैं ही उसके थ्रू सारी चीज़ें कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा बहु जोड़ती किरीटी जियांचे भजने भोगासाठी जे आशा तिमिरे दृष्टि मंद जाले। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो आशा ममता लेके मेरे से मेरी भक्ति करते, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अभी मुझे ये मिला तो वो मिला, अभी मुझे पास कर, मुझे मेरा कर्जे मिटा, मेरे को संपत्ति दे, मेरा रोग बरा कर, मेरे बच्चे को ऐसा कर वैसा कर, ये सब कुछ करने वाले बहुत सारे भक्ति करने वाले रहते हैं। लेकिन ये जो ज्ञानी भक्त रहता है वो मेरे से एक रूप रहता है, और भगवान जैसे लेके जाता है वैसे उस मार्ग पर ही चलता है। ऐसी बातें करने के बाद तो कई बार देखा है, यानी हमारे सब टाइप के फ्रेंड रहते हैं, कोई आस्तिक रहता है, कोई नास्तिक रहता है, और कोई मजा उड़ाने वाले भी रहते हैं। वो तो हंसते हैं, कैसा इसका ब्रेन वॉश हुआ है, कैसे वो साधु संतों का ब्रेन वॉश करते हैं, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें होती हैं। और वो सारे लोग भी, उनको भी भगवान मंदमति कह रहे हैं, ठीक है क्या। हमें अच्छे सत्कर्म करके जीने का है, 24 घंटे पूजा करने की है, कर्म ही पूजा करने की, अपने सांसों से भी आँखों की ये जो है ये सारी चीज़ें बुद्धि से देह से भगवान को समर्पित रह के 24 घंटे भगवान की साधना होना चाहिए, तभी हम आत्मज्ञानी हो सकेंगे और वैसे जीने का हम प्रयास करना चाहिए, ऐसा भी कह रहे हैं, परमार्थ मार्ग पर रहना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं और नाथ महाराज भी कह रहे हैं। धन्यवाद।